करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि ऐसी अनबॉक्सिंग आपने कहीं देखा नहीं रहेगा, हम कर रहे हैं इसकी बीच में अनबॉक्सिंग। और छोटा सा ड्रोन है, बहुत महंगा नहीं है, बाद में लाएंगे हम बड़ा ड्रोन, लेकिन अभी अभी जस्ट एंजॉयमेंट के लिए हम छोटा सा ड्रोन लेके आए हैं। देख सकते हो ये ड्रोन के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। बकरे आ गए भाई, इनको जाने दो, ये तो हमें मार सकते हैं। जाओ 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 भाई। ये जैसे कि साइमा का ड्रोन है, रेडियो कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और इसमें जो भी पार्ट्स में है, जैसे बैरोमीटर सेट हाइट है, 1 की टेक ऑफ लैंडिंग है, फ्लिप स्टंट 360 डिग्री स्टंट भी कर सकता है, 6 एक्सिस गायरोस्कोप है, एंड हैंडललेस मोड है, आप इसको सिर्फ उड़ा के छोड़ भी सकते हो, अपना उड़ता रहेगा। फ्लैशिंग LED लाइट भी है उसमें, जो कि रात में दिखाएगी। और ये 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी का जो है ड्रोन है। अभी से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके साथ हमें मिलता है एक रिमोट, एक चार्जिंग वायर, और इसके अंदर 4 प्रोपेलर भी दिया है, जो हमें अगर ये प्रोपेलर टूट जाता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फटाफट हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, निकालते हैं यार इसको, कट करो, ज़्यादा टाइम नहीं देख सकते। यहाँ से हम इसको कट करते हैं, हमने कैंची वैची सब लेके आया हूँ। ये रहा हमारा रिमोट, और दोस्तों इसके को खोलने के लिए हमें लाना पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर, तो स्क्रू ड्राइवर लाते हैं। बंद करो, हम इसको शुरुआत करते हैं। ड्रोन में यहाँ पे एक ऑन ऑफ की बटन होनी चाहिए, तो वो कहाँ है देखते हैं। ये यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से चालू कर देते हैं। देखो उसमें लाइट जल गई है, लाइट आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट है सन की, तो इसको रख देते हैं। और हम यहाँ तब तक सेट करते हैं रिमोट में भी जो है यहाँ पे एक बटन है, ये आवाज़ आएगी, उसके बाद हम इसे यहाँ से आगे पीछे करेंगे तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा रिमोट कनेक्ट हो चुका है और प्रोपेलर चालू हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये अभी लैंडिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों हम करते हैं इसको, सॉरी टेक ऑफ के लिए तैयार है, करते हैं हम इसको टेक ऑफ। ये बटन हम अब जैसे ही आगे दबाएंगे ये उड़ना चालू हो जाएगा। इसको हम लेते हैं, ये गया झाड़ी में हमारा ड्रोन, और हम इसे यहाँ पे रोकते हैं, झाड़ी में चला गया। इसे हम थोड़ी सी और स्पेशियस जगह में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये झाड़ी में चला गया था। अब इसको करते हैं हम यहाँ पर ट्राई, फिर से चालू हो गया है और हम इसे लेते हैं ऊपर। हवा की वजह से ये ड्रोन हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं फिर से एक बार। अब इस बार यहाँ पे करते हैं कि चालू करते हैं, ये हो गया चालू, और अब इसे हम करते हैं टेक ऑफ। झाड़ियों में ही जा रहा है बार बार क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज है, बहुत ही ज़्यादा तेज हवा है, इसकी वजह से ये हवा के ही तरफ भाग जा रहा है। बाकी ड्रोन तो हमारा काफ़ी स्टेबल है, लेकिन हवा की वजह से ये उसी तरफ भाग रहा है जिस तरफ हवा चल रही है। और हम इसे काम करते हैं थोड़ा सा, दूसरी तरफ फ्राई करते हैं। बंद करो, हो गया चालू।
पर लेना है। स्टेबल तो है अभी। फिर नहीं तो पानी में जाएगा। इधर 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 बैक मारो, बैक ले गया पानी में, ले गया पानी में, देखो ले गया पानी में, गया पानी भाई। उसको बंद करो, बंद करो, बंद। वहां जाओ, एक दिन दौड़ के जाओ। गया। तो जैसे कि दोस्तों हम इसे बीच के किनारे ट्राई कर रहे थे उड़ाने के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी जिसकी वजह से हमारा ड्रोन स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमें अब यहाँ पे इसे ट्राई करते हैं और यहाँ पे इसे ट्राई करते हैं और स्टंट भी करके देखते हैं और 360 डिग्री घुमा के भी देखते हैं यहाँ पे कैसे चलता है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ की बटन है तो ये ऑन हो गया, यहाँ पे लाइट जल गई है आप देख सकते हो। अब इसे हम करते हैं पेयरिंग। पेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम रिमोट के बटन को चालू करेंगे, आवाज़ आई, उसके बाद इसे आगे फिर पीछे। अब यहाँ पे पेयरिंग हो गई इसलिए ये लाइट कॉन्स्टेंट जलने लगती है। अब हम शुरू करते हैं रिमोट, अब ड्रोन को हम उड़ाना चालू करते हैं। देखो ये हम ड्रोन को चालू कर रहे हैं, ये हो गया चालू। अब इसे हम करते हैं टेक ऑफ़।